Assalamu alaikum, all the students of grade 8. How are you all? I hope you all fine. आज हम डे फॉलो करेंगे 35, यूनिट 2 का डे 35, और जिसमें हम एक्सरसाइज 3.3 करेंगे. एक्सरसाइज 3.3 के आज के डे में हम फॉलो करेंगे ए क्वेश्चन का पार्ट 1 एंड 5 जो कि मैं अभी करवाऊँ क्लास वर्क के अंदर, और बी का भी क्वेश्चन 1 एंड 5 जो कि मैं क्लास वर्क में यानी अभी आपको एक्सप्लेन करूँगा और करवाऊँगा. इसका होमवर्क जा रहा है आप लोगों के पास, क्वेश्चन नंबर ए का 234 और बी का 234, यानी दोनों क्वेश्चन के अंदर आपने 1 से लेकर 5 तक पार्ट कंप्लीट करने हैं. एक्सरसाइज 3.3 पेज नंबर 38, क्वेश्चन आपके पास है, कन्वर्ट द फॉलोइंग बाइनरी नंबर्स इनटू डेसिमल नंबर्स. आपको याद होगा पिछले एक्सरसाइज यानी एक्सरसाइज 3.2 के अंदर हमने जो सवाल सॉल्व किया था उसमें था कि हमें डेसिमल नंबर्स को बाइनरी नंबर्स में या बेस 5 में कन्वर्ट करना था. यहाँ पर उसका अपोजिट है, यानी बाइनरी नंबर्स या डेसिमल बाइनरी नंबर्स या बेस 2 नंबर्स को हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है. अब इसका प्रोसीजर याद होगा मैंने आपसे कहा था कि जब इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो उसमें हम अलग प्रोसीजर करेंगे. उसका प्रोसीजर कुछ इस तरह से है. अब सबसे पहले हम उठाते हैं क्वेश्चन 1. फर्स्ट पार्ट में आपके पास सवाल है 1101. सॉल्यूशन लिखेंगे 1101. अब करना ये है कि इसके जो है वो फर्स्ट डिजिट उठाया 1, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से. इसको ब्रैकेट में बंद करेंगे, प्लस के साइन लगाएंगे, सेकंड ब्रैकेट ओपन करेंगे, सेकंड वैल्यू उठाई 1 और इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, देन प्लस के साइन, थर्ड वैल्यू उठाई 0, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, देन फोर्थ वैल्यू 1, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया. ये लिखने के बाद हमने बीच बीच में प्लस के साइन लगानी है, और यहाँ से स्टार्ट करते हुए, लास्ट से स्टार्ट करते हुए हम पावर देना स्टार्ट करेंगे 0 से. 0, 1, 2, 3, ठीक है. चूँकि ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले हमारे पास जो है वो पावर सॉल्व हो रही है, तो हम पावर सॉल्व करेंगे. 2 के ऊपर क्यूब का मतलब है 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, यानी 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है. यहाँ पर आ गया 8, यहाँ पर आएंगे 2 2 ज़ा 4, यहाँ पर आएंगे 2 1 ज़ा 2, और 2 के ऊपर पावर 0, यानी जब भी किसी वैल्यू के ऊपर पावर 0 होती है वो पूरा का पूरा 1 हो जाता है, जो कि मैंने आप लोगों को पहले समझाया है. तो ये पूरा 1 हो गया. अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 8 1 ज़ा 8, ब्रैकेट ओपन, प्लस के साइन, 4 1 ज़ा 4, ब्रैकेट ओपन, प्लस के साइन, 0 2 ज़ा 0, प्लस 1 1 ज़ा 1. इन सबको आपस में हमने प्लस कर दिया, 8 2 4 12, 1 प्लस का 13. समझ आया, ये 13 आ गया हमारे पास आंसर. बेस 2 1101 को हम डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 13. इसके बाद हमारे पास पांचवा सवाल 1010011. इसको भी हमने इसी फॉर्मेट के ऊपर जो है फॉलो करते हुए सॉल्व करना है. पावर लगा दी, मल्टीप्लिकेशन का साइन, प्लस के साइन, देन पावर सॉल्व करेंगे, 2 के पावर 5, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32. इस तरह से हमने सबको सॉल्व किया, ठीक है. 1 से 32 मल्टीप्लाई हुआ, 0 से 16 मल्टीप्लाई हुआ, 1 से 8 मल्टीप्लाई हुआ, इस तरह से मल्टीप्लाई होंगे, आखिर में सबको प्लस कर देंगे, यानी 1010011 की बेस 2 के अंदर जो वैल्यू है उसको डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं 43. बेस 2 को लाजमी आपने शो करना है. हाँ, डेसिमल के अंदर हम जो बेस नहीं लगाएंगे, डेसिमल के अंदर बेस 10 के अंदर बेस नहीं लगाते हैं. इसके अलावा बेस 2, बेस 5, बेस 8 या और कोई बेस हो तो हम ज़रूर बेस इसकी शो करते हैं. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर बी की जानब. बी में कह रहा है कन्वर्ट द फॉलोइंग बेस 5 नंबर्स इनटू डेसिमल नंबर सिस्टम, यानी अभी हम यहाँ पे बेस 5 को डेसिमल में कन्वर्ट करना है. फॉर्मेट वही बेस 2 वाला ही रहेगा, फर्क ये आ जाएगा जहाँ पर हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे थे तो यहाँ पर बेस 5 है तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे. उठाते हैं क्वेश्चन 1. क्वेश्चन 1 आपके पास है 21. यहाँ पर भी हम क्वेश्चन उतारे हैं क्वेश्चन 1 21. यही फॉर्मेट, 2 पहली वैल्यू उठाए 2 मल्टीप्लाई बाई 5, प्लस सेकंड वैल्यू उठाए 1 मल्टीप्लाई बाई 5, लास्ट पावर देना स्टार्ट करते हैं 0 देन 1, ठीक है. 2 का 2, 5 का 5, 5 1 ज़ा 5, प्लस 1 का 1, बेस के ऊपर 0 पर पावर लगी हुई है तो पूरा का पूरा 1 हो गया, ठीक है. 2 5 ज़ा 10, 1 1 ज़ा 1, 10 1 प्लस किया 11. ये हमने पहला पार्ट सॉल्व किया, यानी बेस 5 के अंदर जो है वो 21 जो है वो डेसिमल नंबर के अंदर उसकी वैल्यू होती है 11. इसके बाद सेकंड पार्ट यानी पांचवा क्वेश्चन 22 की बेस 5. यहाँ पर भी हम फर्स्ट वैल्यू उठाई 5 से मल्टीप्लाई, सेकंड वैल्यू उठाई 5 से मल्टीप्लाई, पावर हम दी हमने 2 का 2, 5 1 ज़ा 5, प्लस 2 का 2, बेस 0 है, पावर 0 है तो पूरा का पूरा 1 हो गया. 2 5 ज़ा 10, प्लस का प्लस, 2 1 ज़ा 2, 10 में 2 प्लस कर दिया 12, ठीक है. यानी बेस 5 के अंदर जिसकी वैल्यू 22 है उसके डेसिमल नंबर के अंदर या बेस 10 के अंदर वैल्यू होती है 12, ठीक है. उम्मीद है आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा. अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप अपने कंसर्न टीचर से रब्ता कर सकते हैं, ठीक है. बॉयज़ मुझसे आप रब्ता कर सकते हैं अगर किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है. गर्ल्स आप लोग अपने कंसर्न टीचर से रब्ता कर सकते हैं. आज की क्लास यहीं पर वाइंड अप होती है. इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपसे मुलाकात होगी. अपने ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.